अस्सलाम वालेकुम, बलूचिस्तान लैंड ऑफ ब्यूटी के एक नए ट्रैवल व्लॉग के साथ आप सबको खुश आमदी। आज हम बलूचिस्तान की एक और खूबसूरत साहली जगह पे आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस जगह को कहते हैं दरान। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो ग्वादर के खूबसूरत इलाके जीवनी के बारे में होगा। यहाँ पर मौजूद खूबसूरत साहली इलाके और तारीख़ी जगहों की सैर करवाएँगे। इसके अलावा वहाँ के मकामी अफराद से मिलेंगे, इनके रहन सहन और इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तीनों तरफ से समंदर में घिरा जीवनी शहर ग्वादर से 73 किलोमीटर के फासले पे वाक़े हैं, जहां तक आपको पहुंचने में 1 घंटा 20 मिनट लग जाता है। ग्वादर शहर से निकलने के बाद आपके दोनों तरफ हाउसिंग स्कीम नज़र आते हैं। 43 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद आप N10 और जीवनी रोड के संगम पे पहुंच जाते हैं। यहाँ से दाएं तरफ मौजूद जीवनी रोड आपको जीवनी शहर तक ले जाता है। अगर आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं तो गूगल मैप से मदद ले सकते हैं। यहाँ से मज़ीद 33 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद आपके बाएं तरफ एक कच्ची सड़क आपको पानवान तक ले जाता है। पानवान जीवनी की तारीखी इलाकों में से एक है। अंग्रेज़ों ने यहाँ की पानी की ज़रूरियत पूरी करने के लिए तालाब बनवाए थे। ये आप देख सकते हैं कि ये अंग्रेज़ दौर का एक बना हुआ यहाँ पे तालाब है। तो उस टाइम क्योंकि यहाँ पे पानी की बड़ी सोर्स नहीं था, तो यहाँ पे इन्होंने इसको बनाया था, जिसमें बारिश का पानी आके इसी में इकट्ठा हो जाता था। तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इसकी क्वालिटी वर्क आप देख सकते हो अभी भी। साइज़ आप इसकी अच्छी खासी देख सकते हैं। तो इसमें आपके ये आप वो सामने समंदर देख सकते हैं। तो ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बना हुआ है ये टंकी, एक नहीं बल्कि दो बने हुए हैं। आप ये राइट साइड पे भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ से इसका पानी का इंटेक है ऊपर की तरफ से, जो बारिश का जितना पानी होता था वो साइड्स पे इन्होंने बंद बांधा हुआ है उसके। तो बारिश का जितना पानी होता था इस इंटेक के ज़रिए दोनों तालाबों में आ जाता था। आगे फिर इसको इन्होंने ताला टंकी है छोटी बनाई हुई। ये इसकी सेकंड जो दूसरी तालाब है उसकी सेकंड इनटेक आप देख सकते हैं। आप इसकी कैप वो साइज़ देख सकते हैं कितनी बड़ी है। जब इसमें भर जाता होगा तो काफ़ी अरसे तक लोगों के लिए, यहाँ के लिए काफ़ी होगा। तो स्टिल भी हमारे बहुत से लोग अभी भी जो अंग्रेज़ों के दौर का स्ट्रक्चर्स हैं उसको लाइक करते हैं, क्योंकि वो एक तो उनकी जो क्वालिटी है और दूसरा उनकी डिज़ाइनिंग है वो अभी भी बड़ी रियलिस्टिक है, बड़ी ऑथेंटिक है, और इस एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्होंने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप ये दोनों तालाब के साथ जो टंकी बने हुए हैं वो देख सकते हैं, और उसके बैक साइड पे फिर एयरपोर्ट है। तो लाजे दौर पर उस टाइम जब यहाँ पर पानी का कोई और सोर्स नहीं होगा तो उन्होंने इन चीज़ों को बनाया होगा ताकि जो आबादी है या यहाँ पर जो लोग होंगे उनको पानी प्रोवाइड किया जा सके। इसके बाद हम लोग पानवान में मौजूद वाटर सप्लाई स्कीम पहुंचे, जहां से अब जीवनी के गिर्दोनवा के इलाकों को पानी सप्लाई होता है। ये आप देख सकते हैं पानवान वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, यहां पे प्राइवेट एक है। तो ग्वादर को दो जगहों से पानी सप्लाई हो रहा है, एक सोर्स यही है पानवान वाला है और दूसरी वहाँ से मीरानी डैम से। कुल्ली करने पर पता चला कि पानी का जायका बहुत कड़वा था। प्राइवेट इन्होंने लगाया हुआ है, यूनिट है, आरओ प्लांट है। इसके बाद हम लोग दरान की तरफ रवाना हुए। रास्ता इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था, सफ़ेद बादलों में घिरा नीला आसमान, कच्ची सड़क हॉलीवुड के किसी फिल्म का मंजर पेश कर रहा था। आधा घंटा सफ़र तय करने के बाद हम लोग दारान के खूबसूरत गांव पहुंचे। दारान में हमारी मुलाकात अब्दुल रशीद से हुई, जो कि महकमा जंगलात में बतौर गेम वाचर काम कर रहा है, जिसने हमें अपने बैठक में बिठाया और गाय की मज़ेदार लस्सी से हमारी तवाज़ो की। ये अब्दुल रशीद हमें वो कह रहे थे कि 50 साल पुराना एक कुआँ बना हुआ है, क्योंकि इनके दादा या जो परदादा उन्होंने इसको खोदा था, वो अभी तक उसमें पानी है और उसका पानी भी मीठा है। ये थोड़ी सी ऊंचाई पे ये पे यहाँ पे इनके घर मौजूद हैं, और नीचे
इस हिस्से पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक कुआं है मौजूद। तो अभी वहाँ कुएं की तरफ जाते हैं। कुएं का आप देख सकते हैं नीचे जो बीच में से अच्छे खासे वो चट्टान के हिस्से हैं, तो मिट्टी इतना नहीं है, नहीं है ये सख्त नहीं है, वो सख्त नहीं है, दोनों सख्त वाला पता नहीं है। और ये जितनी भी पॉपुलेशन है वो ये वर्ल्ड वार टू के दौरान यहाँ पे जब एयरपोर्ट बना था अंग्रेजों के दौर में, तो वो आसपास के यहाँ से तुर्बत से थे, मंद से थे, पंजगूर से थे, वो लोग आए थे यहाँ पे, उनके साथ काम करते थे एयरपोर्ट पे। बहुत से लोग उसके बाद चले गए, ये कह रहे हैं कि हमारा जो परदादा था वो यहीं पे सेटल हो गया। दरान की आबादी 20 घरावनों पे मुश्तमिल है, और बाद में अब्दुल रशीद ने हमें दरान बीच दिखाने को कहा जो कि वहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पे वाकया था। ये आप देख सकते हैं गोल्डन बीच, खूबसूरत सा। तो अभी अब्दुल रशीद हमें दिखाएंगे कि यहाँ पे जो कछुए हैं वो यहाँ पे आते हैं, अंडे देते हैं, तो खुद भी वो यहाँ पे गेम वाचर है, इनकी वो प्रोटेक्शन के लिए यहीं पे काम करते हैं। तो ये क्या नंबर क्या लिखा हुआ है? क्या नंबर है भैया? ये नेक्स्ट नंबर है ना, जो 1 अगस्त से शुरू हो के ये खत्म होता है मार्च तक। ये सीजन मैंने ये यहाँ पे नीचे किसी ने अंडा दिया होगा, उसके अंडे हैं कछुए के अंडे। अभी तक सबसे ज़्यादा है इस सीज़न में, इस सीज़न में सबसे। अभी इसके वो कब निकलेंगे ये इसके बच्चे? 2 महीने के बाद निकलेंगे। 2 महीने के बाद जनवरी में महीने के, ये तो दिसंबर में निकलेंगे। दिसंबर में निकले। इनको कोई नुकसान पहुंचा था इनको, अंडों को? अंडों को से कुत्ते खाते हैं, कुत्ते गीदड़ खाते हैं। ये पिंजरा में ना लगाए ना, जिससे हम पिंजरा नहीं लगाते हैं, उसको कुत्ते खाते हैं, बिजियाँ खाते हैं। दरान बीच से वापसी पे हमने वर्ल्ड वार टू का बना हुआ एयरपोर्ट देखने गए। ऊंचे खड़ी लकड़ी के टावर्स हवाई अड्डे के शानदार माजी की याद दिलाती हैं, जिसे बरतानवी एयरफोर्स ने 1940 में तामीर करवाया था, जिसे मुश्तरका तौर पर बरतानवी और अमेरिकन एयरफोर्स चलाते थे। वर्ल्ड वार टू के दौरान हर रोज़ 20 से ज़ायद हवाई जहाज यहाँ रीफ्यूलिंग के लिए उतरते थे। इस बिल्डिंग देख सकते हैं, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं उस टाइम उन्होंने लकड़ी से बनाया हुआ था, और इसके साथ में एक और कमरा है। पुराने ज़माने के उस टाइम के बड़े बड़े लाइट्स आप देख सकते हैं, कुछ फ्यूज़ हैं, ये स्टोर होगा उसमें इन्होंने रखा हुआ था। अभी हम तो देखते नहीं हैं, ये शायद जो भी वर्ल्ड वार टू के दौरान अभी इस्तेमाल हो रहा होगा, उस टाइम के लाइट्स इस तरह से होंगे। अब छत कुछ जगहों से वो उसका छत है वो खड़ा हुआ है आप देख सकते हैं, और कुछ जगहों पे इन्होंने मरम्मत भी किया हुआ है।
तो ये देखो आप यहाँ पे इन्होंने मरम्मत इसको किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो बड़े कमरे आपको दिखा सकते हैं अंदर से, और ये कोई इनका पावर हाउस होगा लग रहा है। यहाँ पे आप कंट्रोल रूम आप देख सकते हैं, ये US मैन्युफैक्चरिंग के लग रहे हैं। लेकिन तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये वॉच टावर। ये मुझे बड़ी खुशी भी हो रहा है और बड़ी हैरत हो रहा है कि हमारी उस टाइम की ये जो बिल्डिंग्स हैं और ये चीज़ें हैं, ये टूरिस्ट हवाले से कितनी अट्रैक्शन रख सकते हैं। वर्ल्ड वार टू के दौर का बना हुआ ये स्ट्रक्चर है। बड़े एयरपोर्ट का देख कर एक बात जहन में आता है कि इतने बड़े एयरपोर्ट के लिए पानी कहाँ से आता होगा। अभी हम पुराने उस ज़माने का एक तालाब बना हुआ है, तो जो यहाँ पे एयरपोर्ट होता होगा तो उसको पानी सप्लाई करने के लिए या पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए इन्होंने बनाया, तो अच्छी खासी बड़ी तादाद में है तालाब। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ इसके दरख्त हैं, और नीचे आप ये आप उस साइड से इंटैक्ट इसका देख सकते हैं कि जहाँ से वो बारिश का पानी आता होगा। इन्होंने पिलर्स बनाए हुए और ऊपर से शेड दिया हुआ है ताकि वो पानी को महफूज बनाया जा सके। तो यहाँ पे मकामी यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे नज़दीक रहते हैं, वो कहते हैं पिकनिक के लिए यहाँ पे आते हैं, बारिश का क्योंकि पानी होता है तो उनको अच्छे खासी पानी मिल जाता है। तो और नीचे दरख्त है, साए के बैठने के लिए भी जगह है, तो उसके साथ में एक और भी आप दूसरा तालाब देख सकते हैं। ये आप दरख्त की साइज़ देख सकते हैं, उस टाइम का काफ़ी पुराना दरख्त लगा हुआ है। ये दो तालाब है, एक ये तालाब बना हुआ है उस टाइम, और उसके साथ में खजूर के दरख्त आप देख सकते हैं, और उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक और तालाब, लेकिन इसका वो ऊपर वाला हिस्सा छत है वो नहीं है। ये आप देख सकते हैं उसमें से, तो ये दो तीन जितने थे उसको इन्होंने एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है, एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। ये पीछे दूसरा तालाब है, यहाँ पे इन्होंने इसको क्लीनिंग के लिए या जो मिट्टी बारिश का आता होगा यहाँ पे, उस पर पहले इसके अंदर उसको स्कोर करते हैं, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं सामने इसकी इनटेक है, वो मेन बड़ी वाली टेंकी हमने दिखाई थी उससे आ रहा है इस जगह से, तो फिर वहाँ से इसमें आता है, तो इससे फिर वो फर्दर क्लीन होके फर्दर प्रोसेस होके फिर आगे ये तीसरे उसमें टंकी में जा रहा है पानी। तो ये एक कुदरती आप कहें या एक नेचुरल उन्होंने एक प्रोसेस किया हुआ है कि जो बारिश का पानी होता है, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी वो रेत है और मिट्टी है, तो बारिश का पानी अपने साथ अच्छी खासी तादाद में रेत और वो भी साथ में लाता होगा यहाँ पे, तो उसको महफूज करने के लिए इन्होंने ये थ्री वे प्रोसेस किया हुआ है, ताकि वो थर्ड प्रोसेस में जब पानी जाए तो वो उसमें मिट्टी की जो क्वांटिटी है वो अच्छी खासी कम हो। विक्टोरिया हट यहाँ की नहायत खूबसूरत और तारीखी हट में से एक है, इसकी मुकम्मल तारीख जानने के लिए ऊपर लिंक पर क्लिक करें। विक्टोरिया हट के बाद हम लोग जीवनी शहर से होते हुए जीवनी के बीच पहुंचे। ये आप देख सकते हैं WWF की तरफ से यहाँ पे इन्होंने एक एग्जीबिशन का है या एक विज़िटर इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, कुछ इन्होंने इंफॉर्मेशन यहाँ के मैरीन लाइफ के बारे में, यहाँ पे मौजूद वेल्स की ढांचा से इस बड़े मछली की असल जिसामत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सर पागा से पागा परी पागा सबसे मर्दमों का कटे दूंगा चार
के ना जी हो मार से शार्क जो जो परी ना परी जा बड़ा हम से हां जी हो ये आप देख सकते हैं शार्क मछलियां जो इन्होंने पकड़ी हुई हैं बड़े बड़े उनको टुकड़े किए हुए हैं ये आप देख सकते हैं जीवनी की वजह शोहरत यहाँ का गुरूब आफ्ताब का मंजर है जीवनी आए और सनसेट को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें शुक्रिया